लोगों को सबसे पहले अधभक्तों को दिखाऊंगा, जो कमाते तो कम है लेकिन ज्ञान ज्यादा देते हैं। और उसके बाद मैं आप लोगों को यूपी और बिहार की कुछ फनी और मजेदार खबरों को भी दिखाऊंगा, जिसको देखने के बाद आपको भी लगेगा मजा आएगा। सो वेलकम टू माई सब्सक्राइबर टू योर वॉइस हैदर रशीदी चैनल। सो गाइस फाइनली आज मैं आप लोगों को ऐसे अनबॉक्स से मिलाने वाला हूँ जिसको शायद जल्दी किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि ये बहुत फेमस अनबॉक्स नहीं है, नॉर्मल सा अनबॉक्स है। और मैं यूपी और बिहार के ऊपर की कुछ न्यूज़ दिखाऊंगा। और तीसरी सबसे मेन न्यूज़ है पुणे सुपरस्टार, जो कि अब थोड़ा पागलपन पे उतर आया क्योंकि कोई उसको भाव दे रहा नहीं था, तो वापस ये पागलपन पे उतर आया। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि हम लोग कुछ ये तीनों चीज़ों पे रिएक्शन या ओपिनियन रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइज, अगर आप लोग इस चैनल में नए आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि गाइज मैं अनुभव गोदी मीडिया DHH और भी कई तरीके की वीडियो पे रिएक्ट करता हूँ, आप लोगों की ओपिनियन मांगता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं आप लोगों को सबसे पहले अधभक्तों को दिखाऊंगा, जो कमाते तो कम है लेकिन ज्ञान ज्यादा देते हैं। और उसके बाद मैं आप लोगों को यूपी और बिहार की कुछ फनी और मजेदार खबरों को भी दिखाऊंगा, जिसको देखने के बाद आपको भी लगेगा मजा। तो आ यार बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी बात है हमें कि हिंदू है और हिंदू तो हमें बचा के समय बच रहा है, हम इसी वजह से किसी को लेकर बहुत खुश है, बस और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अरे देवा, इन अनभक्तों को अकल दे रहे देवा। अभी सामने वाला चचा तुमसे रोजगार के बारे में पूछ रहा और तुम बोल रहे हो कि हम हिंदू और हम खुश है, तो मतलब ये कोई बात हुई? खाने का मतलब ये है कि 2014 के बाद हिंदू सर उठा के जी रहे, उससे पहले हिंदू थे ही नहीं। क्यों नहीं होती है? था हिंदू लेकिन 2014 तो हिंदू ही नहीं था ना। हिंदू दबा हुआ था, हर जगह दबा था हिंदू। कहाँ दबा था? कहाँ दबा हुआ था? ये गलत बोल रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आप बताइए भाई। ये तो कौड़ी का चमन तुम लोगों को नहीं बता पाएगा कि हिंदू कहाँ दबा था, लेकिन हाँ ये चमन हिंदू भाइयों का नाम जरूर खराब कर देगा। भक्तों के चलते भाई हमारे देश में एकता खराब होती है और इन्हीं चमन चोरों के चलते लड़ाइयाँ भी होती है, लेकिन इन गोबर भक्तों को कुछ आता जाता तो है नहीं, बस बेबुनियादी बातें करते फिरते हैं। गाइस ये बात तो बहुत सही है, क्योंकि अब जो ये लोगों के इंटरव्यू, जैसे अनभक्तों के इंटरव्यूज देखने के बाद लोग, काफी सारे लोग ये दिल में ठान चुके हैं कि हिंदू खतरे में था या मुसलमान खतरे में थे, या मुसलमान की 2014 से पहले बहुत ज़्यादा ऊपर वट थी या जो भी। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, कुछ लोगों की वजह से अपना धर्म या अपने जो रिलेशन है हिंदू मुस्लिम के वो खराब मत करो, मैं इतना ही बोलूँगा अभी भी। और ऐसे लोगों को खाली हंसने के हिसाब से लो, ज़्यादा कुछ इन लोगों को सीरियसली मत लो। और गाइस मेरे को आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा गोदी मीडिया सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के पीछे लग गया है। इसको देश की कोई भी चीज़ से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हिंदू मुसलमान से मतलब है कि कैसा इन लोगों को झगड़ा कराया जाए और कैसा इन लोगों के बीच में एकता को हटाया जाए। बहुत तेजी से बढ़ रही है लेकिन कोई चाटुकार पत्रकार इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है। हमारे देश के टॉप 1% लोगों के पास हमारे देश की कुल 40% संपत्ति है, वही बॉटम के 50% लोगों के पास मात्र 15% संपत्ति है, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन हमारे देश की सो कॉल्ड गोदी मीडिया इस चीज के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। कैसे खबरें छाप रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? जैसी करनी वैसी करनी। इसे हत्या कहा जाए या वध करार दिया जाए। और भाई हमारे मोदी जी का स्लोगन तो आपको याद ही होगा, सुन तो लीजिए भैया, भाइयों बहनों मित्रों, मिट्टी की देश बिकने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा, दान दीजिए जुमला प्रधानमंत्री जी। भैया जुमला मोदी जी अपने अगले इलेक्शन के लिए बचा के रखे हैं। आइयो बहनों, खैर भैया अब आते हैं यूपी इज ओपी सेगमेंट में। सबसे पहले खबर आ रही है कि बिहार में खाती ने ट्रक को ही पलट दिया और वहाँ पर मौजूद एक चमचमाती नई कार को भी रौंद दिया। जरा आप भी अपने शुद्ध आंखों से देख लीजिए, जरा गौर से देखिए, ये वही आती है जो
जो भीड़ में गुस्से में आकर इस कदर बेकाबू हो जाता है, जो कार को लगातार घसीटता है। पीछे से किसी ने स्विच चुबा दिया। अच्छा। उस समय से हाथी पिता गया, हमको भी भूल गया। एक व्यक्ति का जान कैसे गया? उनको समझाया गया कि हाथी पागल हो चुका है, अब भाग जाओ। उन्होंने डंडा लेके आया इसको मारने के लिए। उसके बाद ये उसको उठा के और तालाब था, छोटा पोखरा था, उसमें फेंक दिया। भाई ये खबर बिहार की थी, जहाँ तुम लोगों ने देख लिया कि हाथी सबको रौन दे रहा है। तुम ही सोचो ना भाई, किसी जानवर के नाक में तुम उंगली करोगे तो अपना रिएक्शन दिखाएगा ही ना। इसलिए मैं आप लोगों से इस न्यूज से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सावधान रहो, सतर्क रहो, नहीं तो नहीं तुम अपने घर के रहोगे या नहीं इस दुनिया के रहोगे। भाई हम लोगों ने बातें तो बहुत की है कि गोबर खाने वाले भक्त होते हैं, लेकिन भाई आज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा एक ऐसे इंसान के बारे में जो पूरे इंटरनेट को फाड़ के रख दिया है। तो स्वागत कीजिए भाई हमारे लॉर्ड कहे जाने वाले पुणे सुपरस्टार का। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। अरे भाई ये तो बस शुरुआत है, अब जरा इस रूपों को देखिए। यहाँ पे पुनीत की पागल पंथी ने इसको ग्वाला में सोने के लिए मजबूर कर दिया। गाइस जैसा कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, सबसे पहले तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग हंसना चाहते हो, अनभक्तों को देखना चाहते हो और कुछ भी अच्छी चीज़ को देखना चाहते हो जिससे आपको लगे कि ये सही चीज़ है और इससे हमें बचना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये बंदा अनभक्तों के ऊपर ऐसी वीडियो लेके आता रहता है जो आपकी आंखें खोलेगी। अब बात करते हैं ओपिनियन की, तो जो पहला अनभक्त है उसके ऊपर तो मैंने ओपिनियन बीच वीडियो में दे दिया था, और हाथी के ऊपर ये कि भाई आप कोई भी जानवर हो, हाथी नहीं कोई भी जानवर, उसके साथ अच्छा बिहेव करो, उसको ऐसा सब मत करो, मतलब जुलुम मत करो उसके ऊपर। और तीसरा पूरी सुपरस्टार के ऊपर तो मैं क्या ही बोलूँगा, इस मेरे को इतना गंदा लग रहा था ये चीज़ देख के। तो वो कैसा कर रहा है, मतलब सोचो फेमस होने के लिए, अटेंशन पाने के लिए लोगों का लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपके पास भी कुछ भी भड़ा से इन तीनों के ऊपर, तो आप लोगों के पास कमेंट सेक्शन है, आप लोग उसमें निकाल सकते हैं। मैं मिलता हूँ अपने चैनल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।